I'm Chavi. Welcome back to my channel. In this video, I will be explaining transfer of Hindu joint family property. और जिसको हम दूसरी भाषा में दूसरी तरफ से हम alienation of Hindu joint family property भी कहते हैं, जो generally बहुत ही ज्यादा famous term है, alienation of Hindu joint family property. See, Hindu joint family के बारे में मैंने हर एक वीडियो में बताया है. एवरी हिंदू फैमिली इज प्रिज्यूम टू बी हिंदू ज्वाइंट फैमिली. और इसके कौन कौन मेंबर्स होते हैं? कॉमन एंसेस्टर होते हैं, उनके जो लीनियल मेल डिसेंडेंट्स होते हैं वो, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे, अनमैरिड डॉटर्स, और कई बार जो विडोज होती हैं जो वापस से घर में आ जाती हैं उनको वो भी इंक्लूडेड हो जाती है. तो ये तो जो है हिंदू ज्वाइंट फैमिली हो गई. अब हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी मीन जो उनकी खुद की हिंदू ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, जिसके जो सारे को पार्टनर्स होते हैं वो उनके पास राइट होता है उस प्रॉपर्टी पे, इक्वल राइट्स होते हैं. दे आर हैविंग यूनिटी ऑफ पोजेशन, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स वो ओनर्स होते हैं, उनके पास उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट होता है, उनके पास उस प्रॉपर्टी की पोजेशन का राइट होता है. तो ये सारे राइट्स होते हैं. और हाँ, मैंने ये भी बताया था कि जनरली सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज नोन एज कर्ता ऑफ दैट फैमिली. और ऐसा नहीं है कि अगर वो करता है उस फैमिली का तो उनके पास जो है ज्यादा राइट होगा अदर को पार्टनर्स के मुकाबले. ऐसा नहीं है, एवरी को पार्टनर है इक्वल राइट. ऐसा नहीं है कि भाई एक माइनर को पार्टनर है, एक अगर इतना सीनियर है तो उसके पास ज्यादा होगा, इसके पास कम होगा. जी नहीं, सबके पास जो है इक्वल राइट होते हैं. तो जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसको जब हम ट्रांसफर करेंगे, एलिनेट करेंगे या फिर बेचने की जब बारी आती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक को पार्टनर जो है अपनी मर्जी से बेच देगा. जी नहीं, सबकी ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी पे, तो सबकी कंसेंट ली जाएगी. अनलेस एंड अनटिल ये तीन कंडीशंस आती हैं, तो अगर ये तीन कंडीशन आती हैं तो आपके पास कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. आप बिना कंसेंट के भी जो है प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ या फिर एलिनेट कर सकते हो. देखो, जैसे मैंने बताया था कि को पार्टनर्स को कंसेंट लेनी चाहिए अदर को पार्टनर से. अगर बाय चांस कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पे अगर बाय चांस करता ने या फिर करता ने कंसेंट नहीं ली अदर को पार्टनर से, तो उस केस में क्या होगा? सो उस केस में जो रेस्ट ऑफ द को पार्टनर्स हैं जो कि अगेंस्ट में है उस डिसीजन के, तो उनके पास दो रेमेडीज हैं. एक रेमेडी तो ये है कि भाई आप जो है अपना शेयर ले लो उस ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी से जितना आपका बनता है, और वो शेयर लेके आप ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी से अलग हो जाओ, अलग रहने लग जाओ. नहीं तो अगर ये रेमेडी आपको नहीं चाहिए, अगर आपको ज्वाइंट फैमिली के का हिस्सा बने रहना है, तो दूसरी रेमेडी आपके पास ये है कि आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी का जो एलियनेशन हुआ है वो इन तीन कंडीशंस के बाहर हुआ है. मतलब ये तीन कंडीशन नहीं थी, किसी इलीगल पर्पस या फिर किसी फालतू के काम से एलियनेशन हुआ है जो कि जायज नहीं है, तो आप वो जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो. सो दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कोपार्टनर्स हु आर अगेंस्ट ऑफ दैट एलियनेशन मेड बाय द कर्ता. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस ऑल दीज थ्री कंडीशंस वेयर कर्ता कैन डिस्पोज ऑफ और एलियनेट द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ कोपार्टनर्स. हम लीगल नेसेसिटी की बात करते हैं, तो लीगल नेसेसिटी मीन्स ऐसी लॉफुल, लीगल का मतलब तो लॉफुल हो गया ना, मतलब कि वो ऐसा कोई ऐसा एक्ट नहीं जो कि इलीगल एक्ट है वो नहीं माना जाएगा इसमें. तो लीगल नेसेसिटी में ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज जस्टिशिएबल एंड जस्टिफाइबल बाय लॉ. तो ये लीगल नेसेसिटी, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के लिए, अगर मतलब ये होता है ना कि आप ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी एजुकेशन के लिए अगर बाय चांस पैसे चाहिए तो वो भी लीगल नेसेसिटी के अंदर आएंगे. और सबका हक है शादी करने का, तो शादी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी लीगल नेसेसिटी के अंदर आएंगे. अनलेस एंड अंटिल आपकी दूसरी शादी है या फिर अगर आपकी चाइल्ड मैरिज है तो वो लीगल नेसेसिटी के अंदर नहीं आएगी. और फिर अगर कोई डेट्स हैं जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के ऊपर हैं तो उसको क्लियर करने के लिए जो है वो भी लीगल नेसेसिटी में के अंदर कवर होगा. तो मतलब यही है कि, और हाँ एक चीज इम्पोर्टेंट ये कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारी सेविंग्स हैं, बहुत सारे पैसे हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, तब उसके बावजूद भी आप जानबूझ के ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ऐसा नहीं. अगर आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, तो ही आप लीगल नेसेसिटी का एक क्लॉज लगा सकते हो और जो प्रॉपर्टी है एलिनेट कर सकते हो. मींस पहली चीज कि भाई आपके पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो रखी है जहां पर मतलब नेसेसिटी, मतलब ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट हो रखा है जहां पर आपको इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, और वो जो सिचुएशन है वो लीगल है, लॉफुल है.
और थर्ड चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब आपके पास और कोई सोर्स ऑफ मनी नहीं है जहां से आप उस चीज को जो है डिस्पोज ऑफ कर सको या फिर पैसा इन्वेस्ट कर सको। और फोर्थ चीज ये है कि वो जो प्रॉपर्टी जो एलिनेट करी गई है वो रीजनेबल उससे करी है, मतलब कि रीजनेबल सर्कमस्टांस में जो ऑर्डिनरी मैन है वो भी यही चीज करता तो वो जो है वैलिड मानी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्लॉज दैट इज लीगल नेसेसिटी। नाउ द सेकेंड इज बेनिफिट ऑफ एस्टेट की बात करते हैं। इट इज वेरी एज सिंपल एज दैट। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कहीं से आ रहा है या फिर एडवांटेज देना, दैट इज बेनिफिट ऑफ एस्टेट। एस्टेट मीन्स प्रॉपर्टी। तो ये इतना ट्रिकी पार्ट नहीं है कि अगर आप कोई ऐसा एलिनेशन कर रहे हो जिससे आपकी जो खुद की प्रॉपर्टी है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाना है या फिर उसको ठीक करना है, आपकी फैमिली को ही बेनिफिट होगा तो वो जो चीज है जायज मानी जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि पुरानी प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उसकी अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, वो टूट सकती है, उसको डेंजर पहुंच सकता है, तो उस चीज में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट ला रहे हो तो वो जो है बेनिफिट ऑफ एस्टेट के अंदर जो है काउंट होगी, तो आप जो है प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकते हो। अब लास्ट चीज आ जाती है पायस पर्पस। जब हम पायस पर्पसेस की बात करते हैं तो पायस पर्पस मीन्स कि ऐसी रिलीजियस ड्यूटीज, जैसे फ्यूनरल राइट्स रिलेटेड कोई ड्यूटीज हो गई, या फिर कई बार होता है ना, मतलब कि हमेशा जैसे अगर किसी का बर्थ होता है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी भी कुछ सेरेमनीज होती है, तो वो उसका जो भी खर्चा आएगा उसके लिए अगर आपको प्रॉपर्टी एलिनेट करनी है तो आप कर सकते हो, या फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है फिर उसमें जो फ्यूनरल राइट्स रिलेटेड जो भी पैसा लगता है उसके लिए भी आप जो है प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकते हो अगर आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये सारी चीजें प्लस जैसे मैंने लीगल नेसेसिटी के अंदर मैंने आपको मैरिज बताई थी ना, तो ये जो मैरिज जो है वो इसके जो मैंने रिलीजियस ड्यूटी बताई थी ना उसके अंदर जो है इंक्लूड हो जाएगी मैरिज भी, मतलब कि अगर आपको किसी की मैरिज करनी है तो वो उसके लिए भी आप प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकते हो। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस थर्ड कंडीशन इज कि जो फर्स्ट टू कंडीशन है ना इसमें आप सारी प्रॉपर्टी तो एलिनेट कर सकते हो, बट ये जो थर्ड कंडीशन है इसमें आप सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं एलिनेट कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप किसी के फ्यूनरल राइट्स के लिए आपने जो है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वो कर दी, नहीं, आप ओनली रीजनेबलनेस यहाँ पर देखी जाएगी। वैसे तो रीजनेबलनेस तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, बट आप ऐसा नहीं है कि आप फ्यूनरल राइट्स के लिए सारी एक पूरा घर बेच दिया, नहीं, आप सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी बेच सकते हो उसको क्या बोलते हैं वो जो फ्यूनरल राइट्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस था थोड़ा सा कि फर्स्ट सेकंड में तो आप पूरा डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, थर्ड में नहीं है कि आप जो क्वांटम है जो क्वांटिटी है प्रॉपर्टी की वो जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी और वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करता है। और हाँ, एक चीज ये है कि जो हम प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो हम गिफ्ट देते हैं, वो चीज जो है इसके अंदर नहीं इंक्लूड होती या फिर वो पायस पर्पस के लिए इंक्लूड नहीं होती। So this was the concept of alienation of Hindu joint family property and now we are at the end of this video. Thank you so much. Bye bye.